जय बद्री विशाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। और दोस्तों अभी फिलहाल मॉर्निंग के हो रहे हैं 9, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है। तो हम जा रहे हैं पिंडरो, मतलब कि जहाँ नदी है, जहाँ आपको उस दिन बताया था कि यहाँ सारी डोलियाँ, मतलब दूर दूर से डोली आती है नहाने के लिए, स्वच्छ होने के लिए। तो आज भी एक डोली आ रही, तो आपको वहाँ जाके जरूर बताएंगे। तो बने रहे आप हमारे साथ ब्लॉग में, जाते हैं अभी फिलहाल हम वहाँ। दोस्तों ये लड़के इतने गंदे ना, हमें अपने साथ नहीं लेके जा रहे ऐसे भाई किसी के भी ना। तो जा रहा है डोली को देखने, चल आज हम इसके साथ साथ। ये सब ये सिसी का कुछ, सिसी का ये सी कुछ, चल यार। ये ऐसे है ना तीनों के तीनों, पता बात क्या हो रही है, आज है हमारे गांव में शादी, तो वो जा रहे हैं वहाँ खाना बनाने के लिए। मतलब गांव में, तो गांव में सब जाते हैं मिलजुल के खाना बनाने के लिए। फिर आज हमारा खाना भी वही, हमारा खाना भी वही है। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं, उनका भरोसा नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम जाते हैं, अभी बहुत ऊपर चढ़ना है पैदल पैदल। दोस्तों यहाँ पे देखना फूल हो रहे कि, तो हम डोली के लिए फूल लेके जा रहे हैं, एक इसने पकड़ लिया और एक मैंने, तो हम फूल भी लेके जा रहे हैं डोली के लिए। सो दोस्तों आप देख सकते हो डोली अभी आगे से आ रही है। आप देख सकते हो विश्वनाथ की डोली कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छे से उन्होंने, खूबसूरत है, खूब कतई खूबसूरत है, कितने अच्छे से डोली को सजा रखा है। आपको अच्छे से दिख ही रही होगी यहाँ पे विश्वनाथ की डोली। यहाँ पे देखना, यहाँ भी वही हो रहा है, ढोल वाले आगे जा रहे हैं फिर पीछे से आती है डोली। अभी लोगों के यहाँ पे जा रही है डोली मिठाई लगाने के लिए। देखना बहुत डरावे कर रहे थे घर पे, पर इनसे जल्दी हम पहुंचे। दोस्तों अभी देखना डोली आगे आगे जा रही है और हम सब लगे हुए डोली के साथ चलने पे। बस कोमल मैं ही लड़की में से, बट कुछ नहीं होता ऐसे, हम पूरा घूमेंगे। अभी यहाँ पे जहाँ पे नंदा देवी की डोली रहती है वहां जा रही है डोली। दोस्तों यहाँ पे डोली नीचे बैठ गई है शायद से, यहाँ पे लोग चाय पानी पी रहे हैं। और ये वही चौक है जहाँ की नंदा देवी की डोली रहती है। दोस्तों अभी फिलहाल यहाँ पे डोली उठा रहे हैं, देखना क्लास भी चला गया डोली उठाने के लिए। दोस्तों अभी फिलहाल डोली को लेके जा रहे हैं ऊपर मंदिर में। यहाँ पे देखना डोली अभी किसी और के यहाँ जा रही है। दोस्तों रितिक को देखना क्लास की चप्पल लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि क्लास ने पकड़ रखी है डोली, और डोली बिना चप्पल के मतलब पकड़ दे, पैरों पे चप्पल नहीं होनी चाहिए। और क्लास ने, मुझे लग रहा है पहली बार आज डोली पकड़ी। हाँ पकड़ रखी है पहले? अच्छा अच्छा पकड़ रखी है। और ब्रो कैसा लगा आपने डोली पकड़ी? बस मैं धारा जा छूटना थे, बोलने लायक नहीं रहा क्लास। अभी फिलहाल हम जा रहे जंगल वाले रास्ते से पर मंदिर में। सो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ सबके सब लगे हुए चलने पे डोली के साथ। सो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ कैसे कैसे रास्तों से जा रहे हैं। यहाँ पे गिर गई थी और यार सीट क्या करूँ, नहीं उठाऊ सर, यहाँ पे रख लेना, गिर गया था नीचे, मेरा फूल नीचे गिर गया यहाँ पे। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंचने वाले हैं पिंडरो, और अभी आगे आगे जा रहे हैं, डोली जा रही है आगे। सो दोस्तों यहाँ पे सीधे आके डोली जा रही है नीचे नहाने के लिए नदी में। देख सकते हो आप डोली सीधे नीचे नहाने से। सो
और डोली अभी ऊपर नीचे से नहा के चली गई ऊपर मंदिर में, तो अभी हम सबके सब जाएंगे ऊपर मंदिर में। दोस्तों यहाँ पे मेरे भाई और जा रहे हैं यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए। अभी देखना इस पत्थर से नीचे छलांग मारेंगे ये। अनिल को देखना है यहाँ पे, ये चाहिए इसे बस। रितिक को देखो, आ जाओ। यहाँ नीचे ना बहुत गहरा है, देखना हमारे गांव के सारे लड़के आ गए यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए। हम मेरे भाई और तो यही आते हैं हर रोज शाम के टाइम नहाने के लिए। सो दोस्तों डोली जा रही है ऊपर मंदिर में, बट हम जा रहे हैं घर। घर इसलिए जा रहे हैं हम क्योंकि अभी फिलहाल हमारे यहाँ मतलब गांव में हल्दी है, मम्मी और वहाँ जा रहे हैं तो हम भी वहीं जाएंगे हल्दी में। जाएगी ना हल्दी में, तो हम हल्दी में जाएंगे। तेरे को तो टीका ना लगे, मैं वीडियो बनाने पे लगी हुई थी, मेरे पे पिठाई भी नहीं लगी। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं नीचे, घर जा रहे हैं हम। सो दोस्तों ये हमारे गांव की कुछ लड़कियाँ छोटी छोटी सी, ये यहाँ पे खेलने के लिए बोल रही है बट शर्मा रही है, अभी खेल नहीं रही है। अभी ये दोनों के दोनों लड़कियाँ जाएंगे अभी देखने इनको। बचपन में हम भी खेलते थे बहुत ज़्यादा, यहीं पे खेलते थे, बल्कि यहीं पे खेलते थे बचपन में, ऐसे ही सच में खेलते थे हम भी, बहुत ज़्यादा खेलते थे ऐसे, मज़ा आता है ऐसे खेलने में। प्यार त्या जावा प्यार हो डाल बिछुआ, देखना इनको पता। पहले हम भी खेलते थे ऐसे जब हम बचपन में छोटे थे, यहीं खेलते थे बल्कि यहीं। इसको तो फोटो शूट की लगी हुई बस कि मेरी वीडियो बना मेरा फोटो शूट कर, बस को यही लगा हुआ। यहाँ देखना यहाँ का नज़ारा कितना मस्त लग रहा है, गजब सा देख सकते हो आप, यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। दोस्तों यहाँ पे देखना हम पानी पी रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी, बहुत ज़्यादा थक गया हम नीचे आते आते। हमने बहुत सारी वीडियो भी बनाई मेरे शॉर्ट्स में जाके ज़रूर देखना, और मैंने और मेरी बहन ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ऊपर मंदिर में हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमें घर भी जाना था जल्दी जल्दी, और हमारी यहाँ पे बस हम दोनों ही आ रही थी लड़कियाँ, और बाकी आपने देखे होंगे लड़के लड़के थे, वैसे ऐसा कुछ नहीं है बट हमें घर भी जाना था जल्दी, इसलिए हम घर जा रहे हैं अब जल्दी जल्दी। इसका गला बहुत सूख गया है, पानी पी के मजा आ गया। सो दोस्तों हम जा रहे हैं अब घर की ओर, और यहाँ देखना कितने सारे वाइट फ्लावर लगे हुए यहाँ पे, और यहाँ पूरे जंगल में यही लगे हुए हर जगह। तो अभी फिलहाल हम जाते हैं, देख सकते हो बस हम दोनों जंगलों के बीचों बीच हैं, और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं घर। और मौसम भी बड़ा खतरनाक हो रखा है क्योंकि यहाँ बहुत भयंकर वाली हवा चल रही है, और जल्दी जल्दी जाते हैं अब घर। सो दोस्तों अभी फिलहाल घर आके हम जा रहे हैं गाँव क्योंकि हमारे पास है 50 रुपये, और हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, बट खाने भी जा रहे हैं थोड़ा सा, वहीं से हल्दी भी देख लेंगे। वैसे हम जा नहीं रहे थे बट हमने वहीं पे दुकान है, हमने ना थोड़ा देख लेंगे क्या हो रहा है। बस बीच वाली चाची है घर में और सबके सब जा रखे है गाँव, तो हम भी थोड़ा सा गाँव जाके आते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखना है सबके सब यहाँ पे नाचने पे लगे हुए हैं हमारे गाँव की लड़कियाँ। सो दोस्तों हमारे के चाचा जी की दुकान में, हेलो चाचा, और क्या खिला रहे आज हमें फ्री में? फ्री में फ्री में दो 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 ये बट नहीं दिया फेंटा लिया, फेंटा कोका कोला कुछ भी फेंटा, फेंटा हम पियेंगे फेंटा। खांसी तो हमें बहुत ज्यादा हो रही है बट पी लेते हैं। और ये देखना हमारे भाई कहीं भी टपक जाता, चल निकल ना। दोस्तों यहाँ पे चाचा जी बोल रहे हैं मैं तेरा सब्सक्राइबर हूँ, बट हमें ये लड़की खिला रही है, हम आपको क्या खिलाएंगे? आपकी तो यहाँ देखो इतनी बड़ी दुकान है, खुद ही खिलावा मैं एक जूस की बोतल दी, वो भी वापस कर दी, कुरकुरा भी नहीं दी 5 रुपये वाले। दोस्तों यहाँ पे कोका कोला टकाटक ले लिया, अब हम तीनों करेंगे पार्टी। अब पार्टी दी हमने, हमें आज अंकु ने दी हमें पार्टी किस तो अब अभी फिलहाल हम पीते कोका कोला और
साथ में खाएंगे हम टकाटक। चाचा देखना मेरी तरफ से खाओ, बल्कि आइए मिर्ची आइए। हम दोस्तों अभी फिलहाल हम दुकान से आ गए हैं, यहाँ पे देखना गुरुजी बना रहे हैं यहाँ पे खाना, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे शादी शुदी होती है यहाँ पे गुरुजी आते हैं भात बनाने के लिए, तो अभी यहाँ भात बन रहा है, यहाँ पे हो रही है शादी। बहुत अच्छी रीत है हमारी यहाँ की, गुरुजी हमारे यहाँ पंडित ही आते हैं भात बनाने के लिए और हमारे गाँव वाले पंडित के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं। दोस्तों यहाँ इधर उधर से लोग जमा हो रहे हैं, इसलिए आपको यहीं से वीडियो देखनी पड़ेगी। क्या करें आप, अब हम घर जाएंगे थोड़ी देर में। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मिछोली मिल रही है, सबके सब कुकर लोग खा रहे हैं यहाँ पे मिछोली। तुम ही खा रही सो दोस्तों अभी फिलहाल हम जा रहे हैं घर, आगे वाली को देखने हीरोइन बन रखी आज, येलो पहन रखे हल्दी में जाने के लिए, पीछे वाले को देखो हरा सूट पहन रखे हैं, और पीछे वाली इनको देखना कैसे चल रहे हैं, हैं भाग भाग के चल रहे हैं। हाँ भाग भाग। और दोस्तों अभी फिलहाल हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए गाँव, जल्दी जल्दी चलो जल्दी भाग। और हमारे गाँव में पता चलते कैसे पता चलता है कि खाना खाने का टाइम हो गया, वो गाँव से लड़के आते बोलने के लिए भात खान आवाज आती है बहुत जोर जोर से, तो अभी हमने सुना था अब हम जा रहे हैं भात खान। सो दोस्तों अभी फिलहाल हम आ गए खाना खाने के लिए, यहाँ देखना सब बैठ रखे खाना खाने के लिए लोग, चाची को अपनी ठेकी लगी हुई, इनको देखना है यहाँ बैठ रखे सबके सब बैठ रखे यहाँ खाना खाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे देखना सबके सब बैठे हुए खाना खाने के लिए, और हम भी खा रहे हैं, हमारा खाना भी आ चुका है, हम बहुत लेट में आते हैं हमेशा खाना खाने के लिए, खाने में मीठा भात और भात पनीर और पकौड़ी, अभी खाना खाते हैं अब। दोस्तों यहाँ देखना सब उठ गए, लेकिन दादी दादी को देखना है यहाँ पे, दादी क्या बात, इन तीनों को देखना, ये तीनों लगे हुए यहाँ पे खाने पे, सबके सब उठ गए यहाँ पे, अब हम खाना खा के जिद्दे जाएंगे घर। दोस्तों यहाँ पे देखना दादी ने मटर निकाल रखी खेतों से और इनको छीलेंगे बाद में, ये देख सकते हो आप यहाँ पे मटर सूख रखे हैं और इनका साग अच्छा होता है, और यहाँ पे देख सकते हो खेत से प्याज भी निकाल रखे हैं, ये भी बहुत टेस्टी होता है खाने में कच्चा प्याज, यहाँ देखना बारिश हो रही है। और दोस्तों अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहे, अभी खाना खा के ही आए और अभी फिलहाल नींद भी आ रही है, थोड़ा आराम कर लेते हैं क्योंकि रात को शायद से मेहंदी में जा सकते हैं अगर बारिश रुक गई तो, और अभी फिलहाल सोने जाते हैं, थोड़ा सा आपको मिलता है सीधे बाद में। यहाँ पे एक कुत्ता है ना बहुत ज्यादा भौंकता रहता है, तो ये भी देख रहे हो क्या बोल रहा है, तो अभी फिलहाल सोने जाती हूँ, मिलती हूँ आपको सोने के बाद। दोस्तों आप यहाँ का मौसम देखना कितना खतरनाक वाला हो गया, चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा हो गया है और बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है, बहुत ही भयंकर वाली ठंड लग रही है। और अभी थोड़ी देर पहले तो चलो बारिश हो रही थी थोड़ा बहुत सही था, बट जैसी मैं सो रखी थी जैसे मैं खड़ी उठी ना बाहर भयंकर इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी ना, ऐसा लग रहा था बर्फ पड़ गई होगी बाहर, बट क्या बोलूँ मैं यहाँ का मौसम बहुत भयंकर हो गया है। अब मैं थोड़ा और सोती हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं उठ के करना भी क्या है, तो सो जाती हूँ और अभी फ़िलहाल सीधे तब उठूँगी जबकि ये क्या कर रहा है, ये भी वीडियो बना रहा साइड से, तो अभी सोने जाती हूँ, अब सीधे मतलब रात में जब मेहंदी में जाएंगे अब सीधे तभी उठूँगी। मेरी वीडियो क्यों बना रहा, मैं बोल रही मेरी वीडियो बना, ऐसे ऐसे अजीब से, तो अभी फिलहाल सोती हूँ थोड़ी देर, तो रात को जब मेहंदी में जाएंगे तभी उठूँगी खड़ी, तो जाते हैं अभी यहाँ देखना। सो दोस्तों अभी फिलहाल मैं हो चुकी हूँ मेहंदी के लिए तैयार, और कमेंट जरूर करना मैं कैसे लग रही हूँ, मैंने पहन रखा है सूट कुर्ती एंड पजामी और चुन्नी है और झुमके देख सकते हो आप। और दोस्तों अभी फिलहाल तैयार तो हो गई हूँ, मम्मी और तो खाना खा के आ चुके हैं बट हम नहीं गए खाना खाने कोमल और मैं, क्योंकि हमारे यहाँ आ रखे हैं मेहमान, तो इसलिए हमने उनके लिए खाना खूना बनाया,
तो अभी फिलहाल हमने फिर हमने सोचा हम भी घर में ही खा लेते, बट हमारा मन भी नहीं कर रहा था, ऊपर से बाहर बारिश वाला मौसम हो रखा था उस टाइम, तो अजीब सा होता है गाँव में जाके, मतलब यहाँ इतनी दूर से जाओ बहुत ठंड भी लगती है, तब खाना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, इसलिए अभी फिलहाल हम घर पे ही खाना खाएंगे। सो दोस्तों ये भी तैयार हो चुकी है और अभी फिलहाल हम खाने यहाँ पे खाना रोटी खा लेते हैं क्योंकि लग रही है भूख। हम खा रहे हैं यहाँ पे चिकन और यही बनाया था हमने, चिकन बनाए थे, रोटी बनाई थी, ये लगी हुई खाने पे, ये हमारी बुआ और मम्मी यहाँ पे बैठ रखी है, दादी बैठ रखी है, अभी फिलहाल डिनर करते और इसके बाद जाते हैं अब गाँव। अभी हम सबके सब जा रहे हैं और आप पीछे से पता चल ही रहा होगा कितनी रात हो गई है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है यहाँ पे, अभी फिलहाल हम जाते हैं, आपको अब सीधे वहीं जाके मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखना सबके सब लगे हुए नाचने पे। दोस्तों अभी फिलहाल हम आ चुके हैं घर और सच में हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया कसम से, हमें इतने मज़े आए ना, क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा मज़े आए ना कोमल, हम दोनों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और क्या बोलते हैं, इंजॉय तो किया लेकिन वीडियो हमने नहीं बनाई, मैंने फ़ोन अपने भाई को पकड़ा रखा था, वही बना रहा था वीडियो, तो अभी देखेंगे कैसी कैसी वीडियो बना रखी है। और अभी फिलहाल हम ऊपर रूम में जा रहे हैं सोने के लिए, नींद आ रही है